पाठ की रूपरेखा बता देती हूँ। राहुल संकरत्यायन द्वारा की गई तिब्बत यात्रा का एक यात्रा वृत्तांत है ये। भारतीय लोगों को उस समय तिब्बत जाने की अनुमति नहीं थी, इसलिए लेखक ने भिखारियों जैसी वेशभूषा धारण करके अपनी ल्हासा की यात्रा प्रारंभ की थी। यात्रा के दौरान लेखक ने ल्हासा की ओर जिन दुर्गम रास्तों की यात्रा की उनका वर्णन उन्होंने प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत में किया है। राहुल के बारे में मैं बता देती हूँ थोड़ा आपको। इनका जन्म 1893 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में कनैला गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम केदारनाथ पांडेय था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के मदरसे में हुई थी। उनका बौद्ध धर्म की ओर विशेष झुकाव था। बौद्ध धर्म में शिक्षा लेकर उनका नाम राहुल संकरत्यायन पड़ा। उन्हें पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी आदि अनेक भाषाओं का ज्ञान था। उनके अनुपम ज्ञान भंडार के कारण उन्हें महापंडित की उपाधि दी गई। वे यात्रा साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। बौद्ध धर्म पर उनका शोध विशेष उल्लेखनीय है। उन्होंने तिब्बत से लेकर श्रीलंका तक भ्रमण किया हुआ है। अब आ जाते हैं पाठ की ओर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि नेपाल और तिब्बत के मार्ग के बारे में। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत में उस समय का वर्णन है जब फरी कलिंगपोंग का रास्ता नहीं खुला था। तब नेपाल के रास्ते से तिब्बत में हिंदुस्तान का व्यापार होता था। इस रास्ते पर अनेक सैनिक चौकियां और किले भी थे। अब बहुत से किलों में किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है और कई फौजी मकान गिर चुके हैं। यहाँ पर्दा प्रथा, जाति पाति, छुआछूत आदि नहीं होने के कारण कोई भी अपरिचित व्यक्ति अपना सामान देकर अपनी चाय उस घर की महिला से बनवा सकता है या खुद बना सकता है, निम्न श्रेणी के भिखमंगों को छोड़कर। लोग चोरी के डर से उन्हें घर में नहीं घुसने देते हैं। वहाँ मक्खन, सोडा और नमक देने पर उसे चोरी में मत कर दूध वाली चाय के रंग की बनाकर मिट्टी के टोटीदार बर्तन में रख दिया जाता है। लेखक की यात्रा एक परित्यक्त चीनी किले से शुरू हुई थी। उस समय एक तिब्बती आदमी यात्रा करने का कर मांगने आया था, जिसे राहदारी कहते हैं। उस कर को क्या कहते हैं? राहदारी कर कहते हैं। लेखक ने अपनी और अपने साथी सुमति की चिटें उसे दे दी थी। चिट यानी पर्ची। सुमति की जान पहचान होने के कारण एक भिखमंगे के वेश में होते हुए लेखक को थोंगला के आखिरी गांव में रहने की अच्छी जगह मिल गई थी। जब 5 साल बाद लेखक इसी रास्ते एक भद्र यात्री के वेश में घोड़े पर सवार होकर लौटा तो उसे गांव के सबसे गरीब घर में रहने को स्थान मिला था। डांडे तिब्बत का एक सबसे खतरनाक स्थान है, जो 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई पर स्थित है। लेखक और उसके साथी को इसे पार करना था। यह स्थान बड़ा ही निर्जन है, इसलिए डाकुओं के लिए सबसे अच्छी जगह है। काफ़ी ऊंचाई पर होने के कारण दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव नहीं है। लोगों को डाकुओं का भय बना रहता है। यहाँ के डाकू पहले आदमी को मार देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि उसके पास कुछ पैसा वगैरह है या नहीं है। तिब्बत की कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर अधिक खर्च नहीं करती है। हथियार के संबंध में यहाँ कोई कानून नहीं है, इसलिए लोग अपनी सुरक्षा के लिए बंदूक और पिस्तौल लाठी की तरह लेकर घूमते हैं। चूँकि लेखक और उसका साथी दोनों भिखमंगे के वेश में थे, इसलिए उन्हें कोई डाकुओं का भय नहीं था। जहाँ कहीं भी इन्होंने कोई ऐसी खतरनाक सूरत दिखती, वे अपनी टोपी उतार कर और जीभ निकाल कर वहाँ की भाषा में कुची कुची एक पैसा कहते हुए भीख मांगने लगते। यहाँ कुची कुची का मतलब है दया करो, दया करो। इनकी पीठ पर सामान था और चढ़ाई भी काफ़ी थी, इसलिए ये दोनों घोड़ों पर सवार होकर दूसरे दिन दोपहर के समय डांडे पहुँचे। सर्वोच्च स्थान पर स्थित डांडे का स्थान पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़े की झंडियों से सुसज्जित था। यह स्थान बर्फ से ढके हिमालय का
सबसे ऊंचा डांडे के देवता का स्थान है, इसके आगे उतराई थी। लेखक लंकोर का रास्ता भटक गया और अपने साथी से बहुत पीछे रह गया। लेखक रास्ता पूछ पूछ कर पुनः वापस लौटकर दूसरे रास्ते से 4 बजे के करीब वहां पहुंचा। लेखक का साथी सुमति बहुत क्रोध में था, क्योंकि उसे बार बार गर्म चाय करते हुए लेखक की प्रतीक्षा में घंटों बैठे रहना पड़ा। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है, गुस्से के कारण सुमति का मुंह और लाल हो रहा था। यहाँ से इन लोगों को तिंगरी जाना था। कुछ सामान पीठ पर लादकर और हाथ में डंडा लेकर वे आगे बढ़े। तिंगरी का विशाल मैदान पहाड़ों से घिरा हुआ था, जो किसी टापू जैसा लग रहा था। मैदान के भीतर दूर से दिखाई देने वाली पहाड़ी का नाम तिंगरी समाधि गिरी था। यहाँ पर सुमति के अनेक यजमान थे। उसने उनको बोध गया से लाए हुए कपड़े की बत्तियों के गंडे डंडे में बांधकर बनाया गया धार्मिक चिन्ह होता है गंडा बनाकर दिया। वहाँ से वे लोग 10-11 बजे के लगभग तेज धूप में आगे के लिए चल पड़े। वहाँ से सुमति ने एक आदमी से मिलने का बहाना करके शेखर बिहार की ओर चलने के लिए कहा, क्योंकि वह वहाँ अपने यजमान से मिलना चाहता था। यजमान का मीनिंग होता है होस्ट, जो मेहमानबाजी करते हैं, घर के लोग होते हैं। तिब्बती जमीन छोटे बड़े जागीरदारों में बटी हुई है। इन जागीरों का काफ़ी बड़ा हिस्सा मठों की देखरेख में रहता है। जागीरदार जो हैं बेगार मजदूरों से अपनी अपनी जागीरों पर खेती करवाते हैं। समय समय पर खेती का प्रबंध देखने के लिए भिक्षु आते रहते हैं, जिन्हें राजा के समान व्यवहार किया जाता है जिनके साथ, या उनको उतना ही आदर दिया जाता है जितना कि राजा को दिया जाता है। शेखर विहार की खेती के मुखिया भिक्षु नम से बड़े ही भद्र पुरुष थे। लेखक को भिकमंगों के वेश में देखकर शंकर की खेती के मुखिया उनसे बहुत प्रेम से मिले। यहाँ एक अच्छा बौद्ध मंदिर था, जिसमें कंजूर की हस्तलिखित 103 पेथियाँ रखी हुई थी, जो मोटे कागज़ पर बड़े अच्छे अक्षरों में लिखी गई पोथियाँ थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं थी। शेर का मतलब है किलो। लेखक का आसन वहीं लग गया। वह पोथी पढ़ने में मग्न हो गया और सुमति अपने यजमानों से मिलने चला गया। दूसरे दिन लेखक और उसके साथी भिक्षु नमसे से विदाई लेकर पुनः तिंगरी गांव के लिए वापस चल पड़े, जो वहां से बहुत दूर नहीं था। चौकियां का मतलब है सुरक्षा व्यवस्था के लिए बनाए गए स्थान। पलटन का यहां तात्पर्य है सेना। परित्यक्त का मतलब है छोड़ा हुआ। अपरिचित का मतलब है जिसकी कोई जान